जनपद में 35 घंटे के संपूर्ण साप्ताहिक बंदी का सीधा असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के बाहर से आने वाले आम नागरिक बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर सवारियों के लिए इधर उधर आने जाने के लिए परेशान होते देखे जा रहे हैं। सवारी न मिलने की वजह से दिल्ली मुंबई से आने वाली पब्लिक पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रतिदिन शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहता है, लेकिन शनिवार को शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के आवागमन व आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगाते हुए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले आम जनमानस की पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं है, ना ही उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार का रेलवे व बस स्टेशन पर साधन उपलब्ध है। अगर इक्का दुक्का किसी प्रकार की बसें दिखाई दे रही हैं तो उसमें कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाते हुए लोग बैठने को मजबूर हैं। ज़्यादातर दूर दराज से आने वाले आम जनमानस पैदल ही अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। कारण, जो सवारियाँ इक्का दुक्का मिल रही हैं वह 2 गुना से 4 गुना किराया वसूल रही हैं। जिम्मेदार रोडवेज के अधिकारी मौन पड़े हुए हैं। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यात्री अरविंद कुमार एवं शंभू कुमार सिंह ने बताया। आ रहे हैं, बम्बई से जा रहे हैं घर। क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत ये सब, उधर काम भी बंद हो गया और ट्रेन भी बंद होने वाली है, इसीलिए आ रहे हैं हम उधर से। अरे, गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको गाड़ी मिलने में दिक्कतें हो रही? क्या दिक्कत? बस नहीं मिल रहा। कब से खड़े हैं यहाँ पे? अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ, कोई साधन नहीं मिल रहा? नहीं। रंभू कुमार सिंह। रंभू जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से गोरखपुर पहुंचे हैं, यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो कोई नहीं है, ट्रेन खाली आ रही है, बस यहाँ से गोरखपुर से घर जाने के लिए साधन का दिक्कत है। कप्तानगंज। कितने देर से हैं? कितने देर खड़े हैं? अभी तो ट्रेन आई, 12 बजे आई है और बाहर निकले हैं। अभी मनमानी कर रहे हैं ऑटो वाले किराया? हाँ, वो तो है। अभी देखिए, आपके सामने 2000 रुपये मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? उनको बोला कप्तानगंज जाना है तो बोल रहे हैं 2000 रुपया लगेगा। उनकी गाड़ी है, ले जाए ना ले जाए।